आज एक और कह करके फिर मैं आगे चलूं। जब भगवान ब्रज छोड़ करके चले गए, द्वारिका में निवास करने लगे, 16,108 ब्याह हो गए, भगवान के अनेक संतान हो गए, तब वर्णन आता है कि कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय पर द्वारिका के लोग भी गए और ब्रज के लोग भी आए। तब यशोदा मैया भगवान से सैकड़ों वर्ष बाद मिलने आई। मेरी मैया आई है ये सुनकर के द्वारिकाधीश तुरंत मचल गए। यशोदा मैया को आंखों से कम दिखाई देता है, बहुत वृद्ध हो गई मैया। भगवान की आयु इस समय 100 से ऊपर की रही होगी जबकि ये घटना है, तो सोचो यशोदा मैया की कितनी रही होगी। द्वापर में लोगों की आयु ज्यादा होती थी ना, तो यशोदा मैया का हाथ पकड़ करके ठाकुर जी लाए और मैया से बोले, मैया देख सामने देख, ये सब तेरो ही परिवार है। मैया बोली, अरे जल्दी बता लाला, तेरी बहू कौन सी है? ठाकुर जी बोले, कौन सी बहू ते मिलवाऊं? बोले, लाला मैंने सुनी है तेने बड़े ब्याह किए। बोले, हाँ मैया 16,108 हैं और बोले सब तेरी देन है। मैया बोली, क्यों? बोले, कार्तिक के महीना में यमुना में दीप दान करती तो दीप डालते हुए कहती, हे यमुना मैया मेरे लाला को कोई की नजर ना लगे, हे यमुना मैया मेरे लाला खूब बलवान है जाए, हे यमुना मैया मेरो लाला खूब अच्छो है जाए, हे यमुना मैया मेरे लाला को खूब नाम है जाए, हे यमुना मैया मेरे लाला के बहुत सारे ब्याह है जाए। ये तुम यमुना में दीप दान तुमने कार्तिक में किए, वही को प्रभाव है, मैं ये देख कितने सारे ब्याह है गए मेरे। सबसे मिले यशोदा मैया। फिर जब सब चले गए ना, ठाकुर जी बोले, अब एकांत में मुझे मैया के पास बैठने दो, सब जाओ यहां से। और आज 100 वर्ष से भी अधिक वर्ष बाद ठाकुर जी यशोदा मैया की गोद में सर रख करके लेटे हैं, द्वारिकाधीश हो गए अब तो। मैया ठाकुर जी को सहला रही है, वार्ता चल रही है। तब ठाकुर जी ने एक बात कही मैया से, बोले, मैया मैं गैया चरावे जायो करतो, यदि नेक भी विलंब मोकू आवे में है जाता तो मेरी मैया मचल जाती कि आज कन्हैया कहाँ चलोगे हो, इतनो समय कैसे लग गए हो, मेरे रूप में मेरे भाव में मेरे प्राण में तेरे प्राण बसते मैया। तो कुछ सांची बताऊं, जा समय में वृंदावन से आ रहे हो ना, मोकू केवल एक बात को कष्ट हो कि मेरी मैया प्राण त्याग देगी, मेरे बिना रहना पावेगी। मैंने गोपीन को याद कियो, ग्वालन को याद कियो, गैयान को याद कियो, लेकिन मैं रोज सुध लेतो मेरी मैया ठीक है ना, लेकिन एक बात कहूं मैया? मैया बोली, हाँ बता। बोले, जब मुको ये बात पतो चली ना कि मेरी मैया स्वस्थ है तो मुको सुख नहीं लगो। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर तो ऐसी भावना ही, मेरे विरह में मैया तो व्याकुल रह जाएगी, लेकिन मैया 100 वर्ष से भी अधिक है गए, अभी तक तू स्वस्थ है। मैया सच्ची बता, मेरी सौगंध खा के बता, तेने कोई दूसरा लाला तो ना बना लियो कोई, कहीं वही को देख देख के रहती हो, वही के पास रहती हो, तू को मेरी याद ना आवे मैया? तेरो प्रेम तो ऐसा मैया कि मैं जाद ना गयो तेरे प्राण वही दिना निकल जाते, लेकिन तू अभी तक जीवित कैसे है? मुको ये बात कहनी नहीं चाहिए मैया, लेकिन मुको अपने अपने और तेरे प्रेम पे कहीं संशय है रहे है। मैया तेने कोई और लाला तो नहीं बना लियो ना? यशोदा मैया के नेत्रों से आंसू गिरने लगे। लाला जादना तू वृंदावन से गयो ना, प्राण तो मेरे वही समय निकल जाते, लेकिन तेरो एक निगोरो रूप मेरे चित्त में बैठो है जो मेरे प्राणन को निकरन ना दे रो। ठाकुर जी बोले, कौन सा रूप? बोले, लाला जब इंद्र ने हमारे यहां प्रकोप कियो और जब मेरे नन्हे से बाल कृष्ण ने अपनी एक अन्य उंगली पर गिरिराज जी धारण किए, मैं इतनी चिंतित है गई, इतनी व्याकुल है गई, मेरे लाला के ऊपर कितनो भार। लाला 7 दिन तक अपलक नेत्रन ते तेरे वा रूप को मैंने निहारो, मैंने पलक भी नहीं झपकी। और स्थिति ये भाई कि वाक्य बाद में जब जब अपनी आंख बंद करूं तब तब तेरा वही रूप मुको दिखाई दे, प्राण तो निकलना चाहे लेकिन तेरो निगोरो रूप मेरे भीतर से प्राणन को निकरन नहीं दे रहे हो। लाला मैं अभी प्राण त्याग दूं तो वह रूप को मेरे हृदय से निकाल दे, मैं तो चाहूं ना हूं तेरे बगैर जीनो, लेकिन वो रूप मेरे भीतर रह करके मेरे प्राणन को बचा के रखे।
यशोदा मैया को जैसे ही ठाकुर जी ने हृदय से लगाया तो वही मैया का स्वरूप ठाकुर जी को दिखाई दिया और वही है ठाकुर जी का श्रीनाथ जी स्वरूप। ये यशोदा का हृदय का स्वरूप है। और जब कलयुग प्रारंभ हुआ लोग गोवर्धन की महिमा भूल गए, लोग जान ही नहीं रहे थे कि इनकी कितनी महिमा है। तब ठाकुर जी ने विचार किया कि भैया हमारा अवतार तो बहुत बाद में होगा, लेकिन गिरिराज जी की महिमा स्थापित करो। तब यशोदा के हृदय के ठाकुर जी को भगवान ने गिरिराज जी से पुनर्प्रकट करा दिया, वही हैं श्रीनाथ जी। बोल श्रीनाथ प्यारे की, श्री गोवर्धन नाथ की। बड़ी कथाएं हैं गोवर्धन स्वरूप।